इंटरव्यू में हुआ है, हैंडसम होस्ट से मिलाती हूँ। पूरा कैमरा सेटअप हो गया है। Hi guys, welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? I am really sorry guys. Really sorry, but बहुत कुछ हुआ है इस vlog में, आपको देखने को मिलेगा, अगले vlog में भी देखने को मिलेगा. Something happened. नानू, उना, कोको, उनको मुझे घर छोड़ के आना पड़ा. ये देखिए हमारा रेंट हाउस है, तो यहाँ पे मतलब लाइन बाय लाइन तीन घर है. पहले जो हम लोग का पासीघाट का घर था वो ऐसा था कि अपना बाउंड्री है, वहाँ पे डॉगी सब घूमते हैं अपना मर्जी से. अगर कोई स्ट्रेंजर आता है तो मतलब एटलीस्ट वो लोग एक बाउंड्री के अंदर रह के भोगते हैं ना. और कोको का तो हिस्ट्री है, मतलब बहुत लोगों को काट चुका है. क्या हुआ उस दिन, मतलब पड़ोसी के यहाँ कोई आया और कोको अपना दरवाजा में बैठा हुआ था. सुबह सुबह आया और वो भी ऐसा, मतलब अगर वो आवाज करके आता वहां से तो मुझे पता चल जाता और कोको को मैं पकड़ लेता ना. हमेशा ऐसे ही होता है, किसी का आवाज सुनते हैं मतलब कोको को पकड़ देते हैं, दरवाजा बंद कर देता है. तो वो जो आया एकदम धीरे से आके, मतलब कोको देख के अचानक से भौंका और मतलब कोको जाके अच्छा काट दिया मतलब. और कोको है छोटा सा बट उसका आगे का दांत है ना बड़ा बड़ा है ना, तो दांत लग गया और थोड़ा सा ब्लड निकल गया. तो हम लोग इतना डर गए ना, क्योंकि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा उनका. बट बहुत मतलब फ्रेंडली था उन लोग, बहुत अंडरस्टैंडिंग था और बोला हो जाएगा कोई बात नहीं. राहुल को भी मैंने बोला उसका जितना वैक्सीनेशन का पैसा वैसा सब हम लोग दे देंगे, प्लीज उसको ऐसा बोला सो सॉरी ना, मतलब कोको ऐसा हो गया, सो सॉरी फॉर दैट. ऐसा बाद में पता चला कि उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगा लिया वहां पे, लेकिन पैसा नहीं लिया. तो हम लोग ऑफर करने के लिए किया है बट उन लोगों ने मना किया. राहुल ने बोला प्लीज थोड़ा हम लोग अगर यहाँ से होके अगर गुजरेंगे तो प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा, कुछ बात करना है. तो बात करने का मतलब हम लोग पैसा देना था, लेकिन हो जाएगा इट्स ओके बोल के इतना मतलब जेन्युइन था ना फिर भी, लेकिन हमको उसको देने का ही मन है पैसा ना, क्योंकि सच में कोको ऐसा काट दिया अच्छा नहीं हुआ. तो उसके बाद से ये बात चला गया हमारे रेंट ओनर के पास. फिर बात इधर उधर पूरा फैल गया ना. फिर रेंट ओनर ने कहा कि तीन डॉग्स कोई भी अलाउ नहीं करता रेंट हाउस में. तो हम लोग का अभी इसको काट दिया, क्या पता उसको काटेगा. तो आई एम सो सॉरी मतलब, लेकिन वो भी हमको सीधा नहीं बोला है. मेरा जो घर में काम करने आता है उसको बोला, उसका थ्रू बोला, वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हुआ. बट फिर भी एट फर्स्ट आई वाज लाइक नहीं हो जाएगा, अगर मुझे जब तक आके नहीं बोला मैं नहीं रखूंगी. बट बार बार मतलब मेड जो आके मुझे बताने लगा कि वो लोग ऐसा आज भी बोला कल भी बोला, देन आई डिसाइडेड कि चलो उना लोग को हम लोग रख के आते हैं. बहुत टफ डिसीजन था गाइस, बट मैंने उनका टाटा बाय बाय व्लॉग भी बनाया. और नानू ऑलरेडी घर में मतलब डिप्रेस्ड रहता है, खाना भी अच्छे से नहीं खाते हैं मेरी वजह से, थोड़ा एज भी हो गया. उसके बाद कोको भी डिप्रेस हो जाता है, बट क्या करें. तो पहुंचाना ही था इसलिए हम लोग पहुंचा कर आ गए. ईटानगर में भी काम था. और उसके बाद फिर क्या हुआ, घर पे जाके जो निगोनी है, जो यहाँ पे हमारा बेली है ना, आप जानते ही, नया ऑडियंस है तो पता नहीं होगा बट जो पुराना ऑडियंस उसको पता होगा, जो बेली है उसका बच्चा हुआ था निगोनी. सब इधर उधर एडॉप्ट हो गया लेकिन एक ही रह गया था जिसको मैंने रख लिया. सबसे छोटा था चूहा जैसा, अभी इतना बड़ा हो गया वो, उसका ऑपरेशन भी करा दिया. उसका और कोको का झगड़ा हो गया, मतलब कोको इतना छोटा है और वो इतना बड़ा है, बट उम्र में वो कोको से छोटा है. तो कोको जो उसको मतलब अपना ऐसे छोटा जैसा सोचता है, बट दोनों का झगड़ा हो गया बहुत बुरी तरह से. और वो अभी बड़ा हो गया तो कोको को काटने लग गया, तो दोनों को साथ में नहीं रह सकते. फिर क्या किया, मम्मी लोग फिर से आया, टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी हायर करके उसको लेकर आया यहाँ पे. तो मतलब इतना मिक्स एंड मैच, और लेकिन वो किसी को काटता नहीं है, वो थोड़ा फ्रेंडली थोड़ा डरपोक टाइप का है. तो उसको लेकर आ गया और बाकी सबको रख गया. हाँ तो बहुत मिस कर रहा है बाकी को. निगो नहीं आया, चलो ठीक है, बट वो भी एक लोकल कुत्ता है तो थोड़ा फ्री है, थोड़ा इधर उधर घूमना ज़्यादा पसंद करता है. और कल भी वो इतना मार खाया ना, मतलब पता नहीं वो किया है क्या, कोई किसी का मुर्गी का बच्चा को काटने के लिए किया या कोई और कुत्ता किया नहीं पता, मैंने देखा नहीं. लेकिन उसको बहुत मारा मुर्गी का ओनर ने और वो दिन भर गायब हो गया था. लेकिन मैंने भी कुछ नहीं बोला ना कि एटलीस्ट थोड़ा डरने दो, थोड़ा मार खाने दो, तभी पता चलेगा कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है ना. तो इसलिए हम अभी बस डर के बैठा है कि कभी कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे. और बांध के भी नहीं रख सकता है, बांध के रखने से तो पूरा जंगली घोड़ा जैसे बिहेव करता. तो ये डिजास्टर हो गया था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ. उसके बाद सर्दी हो गया और पिकल का ऑर्डर आया था. तो पिकल का ऑर्डर, थैंक यू सो मच गाइस, इतना सारा ऑर्डर आया था ना कि पिकल बनाना ही बंद कर दिया मैंने. मतलब इतना स्ट्रेस हो गया था अकेला, इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि कम बैचेस में पिकल बनाऊंगी
और धीरे धीरे बनाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर ऑर्डर हो जाता है, फिर लोगों का मैनेज नहीं कर पाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सो गाइस ठीक है, तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं उना लोग को पासीघाट पहुँचाने से। ठीक है, तो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ननुम कोको होना, आओ चलो चलो बेचारा, चलो 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 चलो। मालिक भगा दिया उन लोग को, चलो यही का पास जाएगा ना, पासीघाट जाएगा ना यही का पास में। आओ ना चलो, कहाँ है राहुल, चलो ओए 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 ओए, इधर 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 से इधर से इधर से इधर से, रुको ना रुको 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 रुको, हम इन लोगों को अभी छोड़ देगा क्योंकि उन लोग गाड़ी में ही उठेगा। तो बैठा वेट कोको, अरे कोको हटो हटो, ननु हटो 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 हटो, वेट 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 वेट, हमको खोलने दो, हटो 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 हटो, लगेगा लगेगा लगेगा, कोको तू ऑलरेडी घुस गया अंदर, ननु इधर ननु आजा, उना आजा उना, चक्कर में गाड़ी घूमने इतना पसंद है ना, उना यही कब जाएगा, और उना बैठ गया, जाएगा ना घर, नानू बैठ गया गाड़ी में, काकू गाइस डॉगीज को पासीघाट छोड़ने के बाद मुझे नेक्स्ट दिन ही ईटानगर के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे टाइसन टॉक शो का सेकेंड एनिवर्सरी पार्टी था, तो वो तो अटेंड करना ही था, और साथ ही साथ हम लोगों का इंटरव्यू भी हुआ। तो वीडियो कंटिन्यू करिएगा और हमारा इंटरव्यू वाला व्लॉग भी देखिएगा। उना आप भैया को देख रहे हैं, भैया दही लेने गए हैं माजुली का स्पेशल दही, ना एक्चुअली थोड़ा दुखी है, घर जा रहे हैं और थोड़ा दुखी लग रहा है, बट क्या करेगा, ले जाना ही पड़ेगा ना ना, तो हम लोग सब लोग फिर से एक बार रीयूनाइट करेगा ना ना। कोको वेट कर रहा है भैया के लिए, चलो ओए 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 सॉरी, चलो कोको गाड़ी चला रहे गाइस, टन टन टन, हॉर्न भी बजा। हे गाइस आई एम इन नाहरलगुन, अब मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू मतलब टॉक शो में हमें इनवाइट किया गया है, तो अभी पता नहीं फर्स्ट टाइम अटेंड करने वाली हूँ, तो बहुत ही नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ, पता नहीं क्या होगा जाके, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, बट जितना भी मैंने ऑल इंटरव्यूज देखा था तो सारा इंटरव्यूज बहुत ही अच्छा गया था, होपफुली हमारा भी अच्छा जाएगा, बट दिस इज आवर फर्स्ट टाइम अटेंडिंग अ टॉक शो, सो जहाँ पे हम लोग व्यूअर्स नहीं हम लोग देख रहे हैं, और राहुल का भी सर्दी से बुरा हाल है और मुझे भी सर्दी दे दिया है, क्योंकि हम लोग अपना चैनल में कभी क्यू एन ए नहीं किया, तो ये एक क्यू एन ए टाइप का ही है, सो नर्वस। और रास्ता भी ना अभी पूरा बादल फट गया ऐसा सुनाई दिया, न्यूज़ में पूरा दिख रहा है आपका, देखो वीडियो क्लिप्स भी डाल देता है, पूरा रास्ता रास्ता ऐसा पानी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पानी से जूझते हुए जा रहे हैं। टेन टेन मिलते हैं आपको सेटअप पे, सेटअप बोलते हैं स्टूडियो पे मिलते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं द टाइसन टॉक शो सेटअप में, सुपर एक्साइटेड, अभी मेरा इंटरव्यू होने वाला है। टाइसन टॉक शो के स्टूडियो सेटअप में जो हमेशा हम लोग वीडियो में देखते थे, आज वहां पर बैठे हैं, एंड क्या तू मेरा पीछे का लाइन रिपीट कर रहा है। तो गाइस ये ना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब बड़ा अचीवमेंट है कि मतलब ना क्या बोलूँ, मेरा जो हम जो भी काम करते हैं अपना पैशन के लिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ बुलाया और ना इतना रिस्पेक्ट दिया इंटरव्यू के लिए ये सब। ओह वहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड है, और राहुल मेरे साथ साथ राहुल को भी बुलाया तो हम बहुत अच्छा लगा। गैजुन जी ने हमें इनवाइट किया है, जो कि यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है, स्वीट है ना,
such a down to earth person and बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार मिल के इतना अच्छा लगा। और चलो आपको सेटअप का जल्दी से टूर करा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पूरा कैमरा सेटअप हो गया है, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों आपको सपोर्ट करने आया है। तो ये है टॉक शो जहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं। यहाँ पे होगा सवाल जवाब, राहुल का सवाल जवाब। ओ माइक लगाने वाला है राहुल, लेकिन तुम बहुत अंदर घुस गया, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे लगाना है, मतलब दिखाना नहीं है ना? हाँ दिखाना नहीं, नहीं तो पॉकेट में भी लगा सकते हैं। ओके, और इसको मतलब पीछे से लेके आके इधर लगाना है? हाँ इधर लगाना, ठीक है। अच्छा लगा मिलके पू ब्लॉग से, पूजा से और राहुल से। बट एक सवाल मेरा रह गया। हाँ जी बोलिए। खाना का तो आई आस्क सो मच, हाँ, बट राहुल का ये बहुत एविडेंट था, मुझे पूछना था ये क्या हुआ। वो तो हम लोग ऑडियंस को रिवील किए नहीं, आपको ऑफ कैमरा बताते हैं वो। हाँ प्लीज। कब आएगा ये, लेकिन ये YouTube में कब आएगा? वो डेट हमको स्पेसिफिकली नहीं पता, जो मैं हूं जो सर है ना, वो जो उनको बता देगा फिर वो एडिट पे लग जाएगा। ठीक है। एक्सेल टॉक शो फैमिली पे सभी का स्वागत है, और आई एम द होस्ट, बट मेरे अलावा बिहाइंड द कैमरा इज द मैन कॉल्ड सिलास, ये है हमारा कैमरामैन एंड एडिटर। हाय, वेलकम टू बू ब्लॉग्स। वेलकम टू टाइसन टॉक शो। आपको मेरा वीडियो शूट करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, बहुत फ्लो से किया है ना। थैंक यू सो मच। हाँ, और कब आएगा होगा हम लोग का? बहुत देखने वाले हैं। वो एमडी सर डिसाइड करेगा। मेरा ऑडियंस को ये बहुत देखने वाला है, तो हम लिंक डाल देगा अगर आ गया बोलने से ना, तो फिर आप देख लेना, ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं अभी। बाय बाय। आपको भी बाय बाय, मिलके बहुत अच्छा लगा, कल भी फिर मिलेंगे इवेंट में। कोरियन खाना, ये चिकन जंपोंग ना, हमको हमेशा ऐसा टेस्ट करने मनता, हमेशा वीडियो में देखता है ऐसा लाल लाल सूप क्या होता है, आज टेस्ट करके देखेंगे गाइस। ओ माय गॉड, ये मेरा फेवरेट कोरियन सूप का। गाइस देखिए ग्रिल आ गया है हमारा इतना बड़ा सा, और वेजी से हमें जुकीनी है, देखा है वो जुकीनी, ये है, ये पोर्क बेली है ना, ये कच्चा है ना, कच्चा नहीं खाएगा हम लोग। वाह इतना सारा साइड डिशेस, इतना सारा मेन ना, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस, ये कोरियन रेड पेपर पेस्ट। भैया ऐसे पोर्क तो अच्छे से पकाना पड़ता है ना, तो इसको अच्छे से पका के लिया हम लोग। हाँ कोरियन लोग तो ऐसे थोड़ा कच्चा कच्चा खा देते हैं, तो हम लोग तो फिर पका के ही खाएगा। ये है चीज तब्बुकी गाइस, चीज तब्बुकी हमेशा हम वीडियो में देखते हैं, आज हम रियल लाइफ में खाने वाले हैं। चीज तब्बुकी ये गरम है क्या? अब इतना हैवी है ये, यहाँ में पोर्क समझपसल बन रहा है, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा पकने के लिए। पूरा मिक्स करना है सबको, ऐसा मिक्स करना है, तो मैं अंडा को मिक्स नहीं करना। ये चिकन बिबिम्बा है,
वो राइस नजर नहीं आ रहा है, वो राइस होता हम तो मिक्स नहीं करेंगे। क्या रहा है तो गाइस क्या बताया आपको, कोरियन फूड का इतना क्रेज़ है और देखने के लिए इतना यम्मी लगता है बट खाने के लिए कुछ खास नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो आपको अच्छा लगेगा, जैसे कि चीज़ तब्बुक की आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक गीला पिज्ज़ा की तरह है, बहुत ही टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी सब ये जो पोर्क मैंने कच्चा लेके इधर पकाने दिया वो सब 1500 रुपये का था ओनली, और हमारा टोटल बिल 5000 का हुआ जो कि बहुत ज़्यादा है गाइस। दोबारा तो मैं नहीं खाऊंगी बट मैंने ट्राई कर लिया, दैट्स इट। बट चीज़ तब्बुकी वॉज ग्रेट गाइस। दिस इज़ डे 2 इन ईटानगर। नेक्स्ट डे हम लोग आ गए टाइसन टॉक शो का 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। एंड टू माई सरप्राइज गाइस मुझे भी फैसिलिटेट बोलते हैं क्या, हाँ फैसिलिटेट किया और ये प्यारा सा सील दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज सो हार्ट टचिंग और इतना सरप्राइज था कि वीडियो ही नहीं बना पाया, बट ये इसका वीडियो आप देख सकते हैं। और बहुत सारा परफॉर्मेंसेस हुआ, हम लोग सब नहीं देख पाए क्योंकि नेक्स्ट दिन हमें निकलना था, राहुल का ऑफिस भी था। बट ओवरऑल बोथ ऑफ अस एंजॉयड अ लॉट एंड हमारे फ्रेंड्स भी गए थे, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले। और बहुत सारे ऐसा बैंड था ना उनका डांस वाला, गाना गाने वाला, इतना अच्छा लग रहा था ना देख के, बहुत गुड लुकिंग था, बहुत ही क्यूट था। ये देखिए आप भी देख सकते हैं, कभी माजुली विजिट करने से जरूर आइए और आपका बनाया वाला टेस्ट करने हम आपको पूरा खाना टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कीजिएगा और आपका जो रेगुलर अपडेट्स है मेरा ब्लॉग का वो आते रहेगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू।